मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला पे। मैं श्रीकांत कुमार आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप लोग 10th क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग अपने क्लास 10th की शुरुआत कैसे करना है। कुछ लोग सीनियर से सलाह लेते हैं, वो लोग अपने सलाह देते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, लेकिन अपना करना है। बट ज़रूरी ये है कि कुछ लोगों का मानना होता है कि 3 महीने पढ़ के हम लोग कर सकते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, 90% मार्क्स ला देते हैं, ठीक है ला देते हैं। लेकिन वो पढ़ाई ऐसी होती है कि बस हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम में जाके लिखना है, उसके बाद के लिए वो कभी नहीं होता। अगर आप लोग नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए सबसे बेस्ट है कि हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जाएं। केमिस्ट्री के लिए हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को अपने कॉपी बना लें, उस पर लिखते रहें। फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक बार लिख लें। न्यूमेरिकल के लिए मैं हर वीडियो में हर चैप्टर वाइज मैं डालता रहूँगा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी का एक एक लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा और हमारे पास बहुत टाइम है, अभी से शुरू हो जाए। हम लोग अभी तक हम लोग 3 ही चैप्टर कर रखे हैं, एक हम लोग केमिकल रिएक्शंस किए हैं। तो लाइन बाई लाइन अगर आप लोग पढ़ते हैं तो, क्योंकि CBSE NCERT के लाइंस उठा के ही पूछते हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो साइंस के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, NCERT के लाइन बाय लाइन जाना है। और केमिस्ट्री के लिए हमें हर रिएक्शंस को, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को अपने एक कॉपी बना लेना है, शुरू से ही उस पर लिखते चलना है और जब भी टाइम मिले उसको देखते रहना है ताकि वो दिमाग में बैठा रहे। मैथ्स के लिए क्या करना है, मैथ्स के लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट के थ्रू जाना है, फिर हमें एनसीईआरटी करना है सबसे पहले, फिर हम लोग आर एस अग्रवाल भी हर एक क्वेश्चन करना ज़रूरी है, करेंगे भी, ठीक है। एसएसटी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी के थ्रू ही जाएं आप लोग, और शुरू से जाने की ज़रूरत है क्योंकि जब भी आपको संडे आ रहा है तो संडे को बैठ के एक कहानी की तरह आप लोग हिस्ट्री को पढ़ सकते हो, सिविक्स को पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। हिंदी के लिए हमें कहानी है, वो क्लास में भी आप लोग कर सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ग्रामर की रही बात, तो ग्रामर आप लोग पढ़ते रहें, जब जब क्लास में आपको बताया जाए उसके थ्रू आप लोग जाते रहें नोट्स के थ्रू। इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, अब इंग्लिश के लिए देखिए हमें मॉडल पेपर बनाते रहना है। मॉडल पेपर इन द सेंस कि हम प्रैक्टिस सेट करते रहना है, जो हमारे पास बुक आते हैं, वर्कबुक करके आता है, उसको लगातार सॉल्व करते रहना है। खास करके हमें ग्रामर सेक्शन के लिए, लिटरेचर अगर आप लोग एक चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उसको करें। और अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है, खुद से एक आंसर लिखना है क्वेश्चंस का। अगर वो क्वेश्चंस आप लोग लिखे और वो आंसर जो बुक में दिया उसे मैच नहीं हो रहा है और लैंग्वेज मिल रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हम लोग उसके आंसर को देखना है और फिर उसको मेमोराइज़ करना है, सोचना है कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, वो क्या सही सोच रहा है। अगर इस चीज़ को आप लोग सीखेंगे, 1 साल बहुत हमारे लिए, ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग ज़रूर करेंगे फॉलो। और ग्रामर पोर्शन के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही ग्रामर कर पाएंगे और ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने नहीं इंग्लिश में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग और क्लास 10th की शुरुआत अभी से कीजिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं हर एक लाइन को मैं करा रहा हूँ, मेरा वीडियो भी देखिए आप लोग, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। और ये वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप क्लास 10th की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं होना है, लास्ट के 3 महीने के बारे में हमें नहीं सोचना है, अभी से शुरुआत करना है और अभी से पढ़ना है हमें, और हर वो चीज़ जो बताया गया उसको आप लोग कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग जाके फंस जाइएगा। आप लोग सोचिएगा कर लेंगे, बहुत सारा सब्जेक्ट कर लेंगे, मैथ्स नहीं हो पाएगा उसमें, पास हो जाएंगे लेकिन कुछ आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लास आप लोग रेगुलर अटेंड करें और जो जो चीज़ें आप लोग को बताया गया उसको ज़रूर फॉलो करें। आप लोग कन्फर्म 90% मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर इस चीज़ को आप लोग फॉलो करते हैं तो।
थैंक यू। इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर वाइज हर एक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा पढ़ना। तो ठीक है, धन्यवाद। यह था आप लोगों के लिए एक वीडियो। थैंक यू। मैं श्रीकांत कुमार साइनिंग ऑफ।